Welcome to the master class of Making a Mark with Lakshmi. Today my topic is how to be successful. आपने देखा होगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका एक अलग सा माइंडसेट होता है, तो उस चीज को समझते हैं कि हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल. सबसे पहला मेरा टिप है, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोग्रेस, यू हैव टू थिंक अबाउट ग्रोथ. जैसा कि एक कोट बोला गया है, एक कोट कहता है कि इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन देन यू विल गेट व्हाटएवर यू हैव ऑलवेज गॉट. क्या आप वहीं रहना चाहते हैं जो आपको हमेशा से मिला है, या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? सो हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. माय सेकंड टिप टू यू इज बिलीव दैट योर एफर्ट्स मैटर. बिलीव दैट योर एफर्ट्स मैटर का मतलब है कि आपको जो भी एफर्ट हम पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको लग रहा है यार हर रोज मैं तो पढ़ती रहती हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है. जिस मिनट आपका ये माइंडसेट आता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, देन इट गोज देयर. आपका हर एक एफर्ट मैटर करता है. सो प्लीज बिलीव दैट वॉट एवर एफर्ट यू आर पुटिंग इट मैटर्स. माई थर्ड टिप टू यू इज लर्न न्यू स्किल्स. लर्न न्यू स्किल्स का मतलब है अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो. You think that you should learn communication skills? Learn it. You think you have to improve on your confidence? Work on it. आपको नए नए skills सीखते रहने चाहिए ताकि you are up to date with things and you are different from others. Don't be the way you are or you have been always. My fourth tip to you is that view failures as a learning. तो मान लीजिए अगर हम fail हो गए हैं, ठीक है, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार अब तो मैं फेल हो गया हूं या हो गई हूं, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता. रादर लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स. ये देखिए कि आप फेल क्यों हुए और उस पे काम करके देन यू मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई इट अगेन. इफ यू वर्क ऑन योर फेलियर्स यू विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे. द नेक्स्ट स्टेप टू यू इज दैट यू हैव टू लिसन केयरफुली. प्रॉब्लम हम सबके साथ ये है कि हम एक चीज बस सुनते हैं और उसके बाद हम बोलना शुरू कर देते हैं. जो ग्रोथ रखते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अच्छे लिसनर्स होते हैं. सो लिसन केयरफुली टू एवरीवन, अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड ऑल्सो बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स इमोशंस. दूसरा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उसको समझिए एंड देन यू ट्राई एन आंसर एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल सिचुएशंस इन अ मच बेटर वे. माय नेक्स्ट टिप टू यू इज बिलीव इन योरसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद पे भरोसा नहीं है. हम दूसरों की तरफ देख के लगते हैं कि अरे वाह वो ये, अरे वाह उसको देखो, अपने आप को देखो. बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू हैव सर्टेन स्ट्रेंथ्स, बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड देन मूव फॉरवर्ड एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज इन यू. माय नेक्स्ट टिप टू यू इज यू हैव टू सेट गोल्स. आपको पता है गोल्स क्या होता है? गोल्स मतलब आप क्या करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. मान लीजिए वेट आपको कम करना है, ठीक है, गोल रखिए. ऐसा नहीं कि 15 किलो मैं एक हफ्ते में, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए. एक हफ्ते में 1 किलो, एक हफ्ते में 2 किलो. सेट गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल हो गया एक हफ्ते का, 1 मंथ, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हो गए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, 1 साल, 6 महीने, 1 साल, वो आपका हो गया और लॉन्ग टर्म गोल. तो आप, यू हैव टू सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ. नाउ दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वेट, बट इन एवरीथिंग. आपके काम में गोल रखिए कि आप कितनी और प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अपना और कितना, कहाँ तक अपने आप को और प्रोग्रेस करना चाहते हैं. उन सबका एक सेट करना गोल बहुत इंपॉर्टेंट. माई नेक्स्ट टिप टू यू इज प्रैक्टिस. जो चीज आपको करनी है, जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, उसको प्रैक्टिस करो. यू नो, ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंट मूव्स, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, डिफरेंट मूव्स वो 100 बार करें या एक मूव को 100 बार करें, उसमें फर्क पड़ता है. तो आप किस चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस पर प्रैक्टिस करिए एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन दैट. माई लास्ट टिप टू यू इज बी डिसिप्लिन्ड. आपको पता है जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सब डिसिप्लिन्ड हैं एंड दैट इज व्हाई दे हैव अटेन्ड सक्सेस इन देयर लाइफ. बी डिसिप्लिन्ड,
है ना, उससे ये होगा कि आपका एक सेट रूटीन होगा और आपको पता होगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है. And that is going to pave the path for you to success. Thank you so much. It was wonderful. I hope all these tips are useful to you. अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि आप और successful कैसे हो सकते हैं, या अगर आप किसी industry में आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, then you can definitely join our next webinar, which is going to be in the coming week. I'll be sending you a link and you can join there. Thank you so much.